दीदी और दीदी का भाईजान जो है वो लोगों के लिए बढ़िया होता है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जो जो महान है, जो पैसा है, सब भाई के लोग का ही है, लेकिन साधारण जनगण को कुछ भी नहीं है। अढ़ाई हजार का बात नहीं है, ममता जब से सरकार में आया इमाम भाता सबसे चालू हुआ है, पुरोहित भाता अभी एक साल से मिल रहा है, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? 2011 में 3 महीने बाद बोला था 99% काम हो गया है, 1% बाकी है। अगर उन्होंने कर दिया होता तो पैरा टीचर क्यों धरने में बैठे थे, क्यों पास ग्रेजुएट टीचर धरने पे बैठे हैं, क्यों एमएस के एसएस के टीचर भूखे में रह रहे हैं, क्यों यहाँ के बेकार जो यूथ है वो भूख के कारण दरिद्र में है, आप मुझे बताइए। एक ही उन्नयन हुआ है, मारदंगा, काठमानी, और उन लोगों को नेता का घर में आप जाके देखिए, जिसका कुछ नहीं था उसका भी 10-12 फ्लैट हुआ है। दादा आप लोग आंदोलन कर क्यों रहे हैं जब टीएमसी कह रही है कि बंगाल में सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया है वो पीसी भाइयों के लिए बढ़िया है, हम लोग आम जनता है, हम लोग के लिए कुछ बढ़िया नहीं है। हम लोग पैरा टीचर कर रहे थे, अभी उसी पोस्ट में है, हम लोग को कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। हम इसीलिए टीएमसी सरकार के विपक्ष में हम लोग रास्ते पे उतरा है। तोलाबाजी कर रहे हैं, उनका कहना तोलाबाजी जो है ये भाजपा वाले बेमतलब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेमतलब का कुछ नहीं है, मेरा जहाँ पे घर है उसका सामने बाली खदान है, बाली का खदान, सैंड खदान, सैंड खदान जो है उसमें से जो पैसा निकलता है वो आईसी और भाईपो दोनों मिल के खाते हैं, ये सरकार भी खाते है और आईसी भी खाता है मिदनापुर का। तो आपका कहना है कि नहीं नहीं तोलाबाजी चल रही है? तोलाबाजी चल रहा है, पूरा तोलाबाजी। कैसे चल रही है तोलाबाजी दादा? हर हर जगह जो तोलाबाजी चल रहा है, गाय लेके जा रहे हैं बॉर्डर में, सब कुछ बाली खत में, हर जगह में तोलाबाजी चलते। जो गरीब आदमी को घर दे रहा है, बाथरूम दे रहा है, उसी से काटमानी खाता है, हर कुछ भी चीज़ वो आदमी खा लेता है, हम लोग भी तो कुछ नहीं हमको मिलता है। दीदी का कहना है कि सब बढ़िया है एकदम पश्चिम बंगाल? दीदी और दीदी का भाईजान जो है वो लोगों के लिए बढ़िया होता है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जो जो महान है, जो पैसा है, सब भाई के लोग का ही है, लेकिन साधारण जनगण को कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम गरीबों की मुख्यमंत्री है, गरीब का मुख्यमंत्री, वो नाम पे बोल रहा है और जितना गरीब का लूट के और बड़ा बड़ा भाईजान को खिलाता है। यही तो हम लोग हाफ हो गया है, 5 रुपये में डिम भात दे रहा है दीदी, लेकिन आज से वो हाफ डिम मिल रहा है, कुछ दिन के बाद डिम भी नहीं मिलेगा, सिर्फ झोल मिलेगा। जे गोरु दूध दे तादर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारे नहीं। 2011 में 3 महीने बाद बोला था 99% काम हो गया है, 1% बाकी है, आपको याद होगा, ठीक है? तो अभी क्यों बोल रहे हैं 90% काम हो गया है? टीएमसी वाले आएंगे तो कर देंगे सब बढ़िया। अगर उन्होंने कर दिया होता तो पैरा टीचर क्यों धरने में बैठे थे, क्यों पास ग्रेजुएट टीचर धरने पे बैठे हैं, क्यों एमएस के एसएस के टीचर भूखे में रह रहे हैं, क्यों यहाँ के बेकार जो यूथ है वो भूख के कारण दरिद्र में है, आप मुझे बताइए। अगर ये तथ्य नहीं हुआ, अगर होता तो ये लोग क्यों करते, है ना? नहीं हुआ इसलिए तो लोग, इसलिए तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है दादा? क्लब में पैसे दिए जा रहे हैं मगर पैरा टीचर्स को नहीं दिए जाते, आखिर क्लब पश्चिम बंगाल में क्या इम्पोर्टेंस है? मुझे तो लगता है ये तुष्टिकरण है, उन लोगों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्लब हमको क्या विकास देगा, क्लब हमको क्या विकास देगा? लेकिन जो टीचर शिक्षा देता है उसको अपनी सैलरी नहीं मिल रहा है, तो जब उसका घर नहीं चलेगा तो हमारा राज्य कैसे खुशहाल बनेगा? तुष्टिकरण की नीति अपना के बंगाल जीतना चाहती है जय श्री राम के नाम पे? नहीं, झूठ है, झूठ बात है। तुष्टिकरण ममता दीदी कर रहा है। बीजेपी तुष्टिकरण नहीं कर रहा है, इमाम भत्ता दे रही है, इतना बढ़िया चल रहा है, पंडितों को भी दे रही है, तो इमाम भत्ता 2500 और ये बार 1000 क्या है? 1000 रुपया पंडित को मिल रहा है और इमाम भत्ता 2500 मिल रहा है, ये तुष्टिकरण सिर्फ तुष्टिकरण ही है। 2500 का बात नहीं है, ममता जब से सरकार में आया इमाम भाता सबसे चालू हुआ है, पुरोहित भाता अभी एक साल से मिल रहा है, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? दीदी कह रही है कि 90% से अधिक काम कर चुके हैं, 5 साल और आएंगे तो पूरा 100 कर देंगे। तब तो उनको बंगाल से जाना चाहिए, तब तो उनको बंगाल से जाना चाहिए कि वो उनका जितनी क्षमता थी वो कर चुकी हैं। टीएमसी का कहना 90% काम कर चुके हैं,
10% रह गया है, 5 साल आएंगे सब कर देंगे एकदम 100% बंगाल को सुनार बांग्ला बना देंगे। देखिए यहाँ पे सुनार बांग्ला तो कुछ नहीं हुआ है, 10 साल में यहाँ पे दीदी राज किया, यहाँ पे विकास के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा राज्य का आदमी यहाँ पे आए हैं, 10 साल में 1% काम भी नहीं हुआ। आप जितना भी तथ्य देखें, जितना आया है सारा राज्य में एक ही उन्नयन हुआ है, मारदंगा काठमानी, और उन लोगों को नेता का घर में आप जाके देखिए, जिसका कुछ नहीं था उसका भी 10 बड़ा फ्लैट हुआ है, तो ये राज अभी राज नहीं है। दीदी तो सफेद साड़ी, सूती की साड़ी और चप्पल पहन के घूमती है। देखिए ये भ्रांत नीति है आप लोगों को, हम लोगों को, वो जो चोरे छुपी से जो काम कर रहे हैं कि नहीं हम इतना अच्छा आदमी है, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा आदमी होता तो आज वेस्ट बंगाल में दीदी का जयगान होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो राज कर रहे हैं दोनों पीसी और भाई को मिला के राज कर रहे हैं। और भी एक चीज़ है, जो चप्पल वो हमारा दीदी जो पहनती है ना, वो चप्पल बहुत दामी चप्पल है, उसका हम सुने कि वो 1400 रुपया पर पेयर चप्पल है, और जो सफ़ेद सा साड़ी वो पहनती है वो साड़ी भी बहुत कम कीमती साड़ी है, ऐसा कोई वो जैसे कि एक गिमिक सा देते हैं, ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि वो बहुत सिंपल सा लाइफ लीड करते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु वो बहुत कॉस्टली साड़ी पहनती है, बहुत कॉस्टली फोन यूज करती है, ऐसा विकास है। विकास की बात है आप कह रहे हैं, और दीदी का कहना है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, भाजपा सिर्फ तुष्टिकरण की बात करती है, जय श्री राम करती है बस। हाँ तो देखिए ये जय श्री राम के जो बात में उनका गुस्सा आता है, ये बात यह है कि वो राम नाम के बारे में उन्होंने सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, और क्या है कि ये जो राम रहीम का जो सिलसिला है ये बीजेपी में हम लोग भाईचारे में हैं, और ये मतलब क्या होता है कि तृणमूल जो पार्टी है इन्होंने मुस्लिम और हिंदू में फाइट लगा रहे हैं, ठीक है बस ऐसा ही। दीदी जा तो रही हैं सरस्वती पूजा में, तो आपत्ति क्या है सर, अब तो हिंदू भी हो रही हैं, पहले तार पार्टियों में जाया करती थी, अब तो जा रही है ना सरस्वती पूजा में। नहीं नहीं वैसा तो है, वो क्यों जा रहे हैं आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, क्यों जा रही हैं दादा। देखिए ये जो हिंदू हो रही है ना तो पंडित हो रही है। देखिए यहाँ पे उत्सव धर्म अपना अपना है, उत्सव यहाँ पे सबका है, ठीक है, लेकिन ये धर्म का राजनीति जो कर रहे हैं ये भाजपा नहीं कर रहे हैं, ये दीदी का पार्टी कर रहा है। अगर देखा जाए बंगाल में टीचरों को जितना वेतन मिलना चाहिए उससे काफ़ी कम मिलता है, 26,000 रुपये के जगह 12,000, उसमें भी ये लोग कटमनी, उसमें भी चोरी, ये सब टीएमसी के मतलब ये कुछ नया नहीं है, सभी चीज़ों में ये सब हो रहा है। आज जो टीचर हैं, जहाँ से शिक्षक पढ़ के निकलते हैं, जो आगे जाके हमारे देश के भविष्य हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। आप देखिए हाल फिलहाल में ममता बनर्जी बोली कि वो टैब देंगी 10,000 रुपया लेके, देंगे 10,000 रुपया देंगे टैब के लिए, और उसके बाद ही स्कूल खोल देते हैं, कॉलेजेस खोल देते हैं, ठीक है, तो कितना चालाक है ये। क्लब को पैसे दिए जा रहे हैं लगातार, मगर टीचरों को देने के लिए पैसे नहीं है। टीचरों से इनको वोट नहीं मिलेगा ना, क्लब से इनको वोट चाहिए, क्लब में ये रहता है, तो इनका इम्पोर्टेंट क्यों रखता है दादा पश्चिम बंगाल? ये लोग जो राजनीति करते हैं, टीएमसी लोग जो राजनीति करते हैं वो बहुत गंदा राजनीति है, और वो सिर्फ